इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग ने पिछले क्लास में जो देखा वो था कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसी निकाली जाती है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे कि कैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज को उनका एडजस्टमेंट किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स टी फंक्शन, टी फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ये कुछ इस तरह से है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू जीरो कॉमा पाई। टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा इज थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा इज थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू माइनस सिंगलटन जीरो। सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू जीरो कॉमा पाई माइनस पाई बाई टू। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू जीरो कॉमा पाई। यह है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। अब ये तो साइन इनवर्स ऑफ साइन हो गया। अब हम उल्टा देखेंगे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस वन कॉमा वन। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस वन कॉमा वन। टैन इनवर्स ऑफ एक्स इज एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। cosec इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी। सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन वन टू इंफिनिटी। सो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चंस को इस प्रॉपर्टीज को ध्यान देंगे। ओके एंड अब इसमें यह भी होता है कि अगर जैसे अभी ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये थीटा तभी होगा जब थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू होगा। अगर थीटा इससे बाहर है तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। एग्जाम्पल देखेंगे, एक कॉशन लेके चलेंगे। कॉशन ये है
इफ थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, अगर थीटा इसमें नहीं है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाकी सबके लिए भी ऐसा ही वर्क करेगा, लाइक टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा विल नॉट बी थीटा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा विल नॉट बी कॉट थीटा, एस लाइक दैट। अब जिस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा विल नॉट बी थीटा, तो जैसे अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 7π/6 ले लू, तो ये 7π/6 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0, π, 0, π में बिलोंग नहीं करता है। अब कैसे कैसे होगा ये? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 की अगर वैल्यू देखी जाए, ये आएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2π - 5π/6। अब ये कॉस, अब ये जो वैल्यू है ये 5π/6 आएगी, तो ये आएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 5π/6। अब ये 0, π में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब इसका आंसर 5π/6 आएगा, ना कि 7π/6। तो इस तरह से जो है इसका वैल्यू डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस डोमेन में रहेगा, कि इसकी वैल्यू जो है थीटा में ही कन्वर्ट होगी। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कहाँ पे इसका वैल्यू रहेगा कि ये जो वैल्यू है थीटा में ही कन्वर्ट होगी। तो डिपेंड करता है उसके डोमेन में, साइन थीटा और कॉस थीटा अगर अपने प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन से बाहर जाते हैं, तब हम लोग ये जो है नहीं बोल सकते हैं कि ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसकी क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग को करना होगा। लाइक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 की वैल्यू क्या? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 क्या होगा? तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 अगर लिया जाए, तो क्या 2π/3, क्या 2π/3 -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है? अगर बिलोंग करता है तो वो वैल्यू आएगी, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 2π/3 ये क्लियरली डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो ये जो वैल्यू है ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हम लोग ये नहीं ले सकते, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 इज नॉट इक्वल टू 2π/3। तो अब ये आएगा किसमें? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 इज सेम एज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π - π/3। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/3, अब ये π/3 के बराबर आएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3 इज π/3। तो ये हमें चेक करना है कि वो -π/2 से π/2 में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत, तब नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। अब यही मैं अगर ले लू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5π/6, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5π/6, तो अब इसके लिए अगर मैं चेक करूं तो ये साइन ऑफ 5π/6, अगर 5π/6 को देखा जाए तो 5π/6 भी जो है -π/2 π/2 में बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब इसका आंसर 5π/6 तो नहीं आएगा। तो करेंगे क्या, इसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5π/6 को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π - π/6, अब ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/6, अब ये जो वैल्यू है ये π/6 देगा। तो साइन इनवर्स ऑफ π/6 इज सेम एज द π/6। तो इस तरह से जो है हम लोग इस सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं।
अब कुछ इसके उल्टा भी हम लोग देख सकते हैं। लाइक अगर पूछा जाए कि अभी तक तो हम लोग साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा देखा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा देखा, इस तरह से हम लोग देखते हैं। अगर पूछा जाए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2/5 कितना होगा? तो ये 2/5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2/5 इज क्लियरली बिटवीन -1, 1। तो अगर ये भी -1, 1 के बाहर रहता है तो ये भी वर्क नहीं करेगा, तब तो इनफैक्ट वैल्यू ही नहीं आएगी। ये हमेशा ध्यान देना होगा कि साइन इनवर्स ऑफ 2/5 हो, जो भी आंसर दिया है वो साइन इनवर्स के डोमेन में जाना चाहिए। अगर डोमेन के बाहर है तो प्रॉब्लम है। अब ये क्वेश्चन है कि कॉस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ 3/4। अब कॉस और टैन इनवर्स तो कटेंगे नहीं, आपस में कैंसिल होंगे नहीं, तो पहले टैन इनवर्स को हमें कॉस में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे देखेंगे। टैन इनवर्स 3/4 को मैं सपोज करता हूं कि थीटा है, तो टैन इनवर्स यहां से इस साइड ले लेंगे तो हो जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 3/4 होगी। अब थीटा की जो वैल्यू है, अब टैन थीटा अगर 3/4 है तो हम लोग डायग्राम बना के फटाक से निकाल लेंगे कि ये 3 है और ये 4 है, तो डेफिनेटली ये 5 ही होगा। इसका मतलब कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 4/5 है, तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। तो इसका मतलब कॉस ऑफ टैन इनवर्स 3/4 की जगह पे कॉस इनवर्स 4/5 लिखेंगे। अगेन, अब 4/5 को अगर मैं ध्यान से देखो तो ये -1, 1 के बीच में आता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 4/5। कभी भी पेन लेकर के ऐसा काट नहीं देना होगा। ये फंक्शन है, ये ऐसे कटते नहीं है, ये कोई डिवीजन नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स इनवर्स कंपोजिशन होते हैं, इनवर्स कंपोजिशन। तो इसलिए इसलिए ये कभी भी हमें ध्यान देना है कि इसे पेन से काट नहीं देना है, नहीं तो पता चला कि सब गड़बड़ हो जाएगा। अब और एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर दिया है साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स, पहले कॉट इनवर्स एक्स को चेंज करना होगा, तो हम लोग मान लेंगे कॉट इनवर्स एक्स इस थीटा, हम लोग थीटा ले लेंगे। इसका मतलब कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो एक्स हो जाएगी। तो अगर कॉट थीटा की वैल्यू अगर एक्स है, इसका मतलब ये एक्स होगा और ये 1 होगा, तो ये 1 √1 + x² हो जाएगा। तो साइन इनवर्स का जो वैल्यू होगा, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा विल बी 1 upon √1 + x². सो साइन थीटा जो है 1/1 + √x² होगा। तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1 upon √1 + x² आ जाएगा, और ये तब कैंसल होके 1 upon √1 + x² हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कॉस ऑफ टैन इनवर्स एक्स बोला तो सॉल्व कर किया जा सकता है। साइन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ कोई भी मतलब वैल्यू दिया रहे इन साइड में, हम तो उसे कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेज सेक स्क्वायर टैन इनवर्स 2 + कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 = what? वैल्यू क्या आएगी? तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सेक ऑफ टैन इनवर्स 2 होल स्क्वायर + कॉसेक ऑफ कॉट इनवर्स 3 होल स्क्वायर = तो ये वर्क करेंगे। तो पहली बात, सेक और टैन इनवर्स इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक ऑफ टैन इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकता हूं 2/1, और कॉसेक ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 3/1।
अगर sec tan इनवर्स ऑफ 2/1 है, तो अगर tan इनवर्स ऑफ 2/1 है तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये tan थीटा की जो वैल्यू है, इनफैक्ट मैं इसको जरूरी नहीं है इसके हमेशा जाऊं ऐसा, tan थीटा की जो वैल्यू है वो होगी 2, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 2/1 इज थीटा, मैं मान लेता हूं, तो tan थीटा इज 2। तो अगर tan थीटा 2 होता है तो sec sec थीटा इज sec स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब tan स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो ये sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5 हो जाएगी, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5 होगी तो sec थीटा की वैल्यू √5 होगी, sec थीटा की वैल्यू √5 होगी, ये आएगा sec इनवर्स ऑफ √5, sec इनवर्स ऑफ √5 का होल स्क्वायर प्लस cosec इनवर्स ऑफ cosec ऑफ, अगर ये cot इनवर्स ऑफ 3/1 है तो ये cosec इनवर्स ऑफ ऐसे ही सॉल्व करेंगे ये √10 हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम sec इनवर्स और sec को कैंसिल कर दें, sec इनवर्स और sec को कैंसिल कर दें तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये √10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 5 + 10, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 15 आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे एक थियरम है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, उसको देख लेंगे। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, तो अगर साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू दिया है उसको कॉसेक इनवर्स एक्स के टर्म में देखना है तो वो होगा कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, जहां पे एक्स शुड बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, यूनियन 1 to इंफिनिटी। और अगर सेक इनवर्स की बात करूं, सेक इनवर्स एक्स की बात करूं, तो वो कॉस इनवर्स ऑफ 1/x होगा, या फिर कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज सेक इनवर्स ऑफ 1/x, अगेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, यूनियन 1 to इंफिनिटी। इस तरह से अगर मैं कॉट इनवर्स एक्स की बात करूं तो कॉट इनवर्स एक्स में वैल्यूज दो आते हैं, एक तो आता है टैन इनवर्स ऑफ 1/x जब एक्स पॉजिटिव रहता है, और एक आता है पाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ 1/x जब एक्स नेगेटिव आता है। तो इस तरह से जो है कॉट इनवर्स के दो वैल्यूज हो सकते हैं, पहला तो कॉट इनवर्स एक्स इज टैन इनवर्स ऑफ 1/x जब एक्स इज पॉजिटिव, एंड इट इज पाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ 1/x इफ एक्स इज नेगेटिव। इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चंस को रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे इन्वर्जन प्रॉपर्टी है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जाने वाला, जैसे क्वाड्रेंट रूल जहां वहां पे सीखा था वही यहाँ पे भी है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, वैसा ही यूज करेंगे। तो थियरम के टर्म में हम लोग उसे डिनोट कर लेंगे। अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बोला जाए, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बोला जाए, ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स है वेर एक्स बिलोंग्स टू -1, 1। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बोला जाए ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू -1, 1। टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बोला जाए ये होगा माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स, जहां पे एक्स बिलोंग करता है आर में। फिर अगर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बोला जाए तो ये होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बोला जाए तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, जहां पे एक्स बिलोंग करता है आर -1, 1। ये आर -1, 1 वही है जो ऊपर हमने माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी लिखा है, बात एक ही है। फिर कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा जाए,
ये होता है माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, अगेन एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन कॉमा वन। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको यूज करते हैं रिजल्ट को। एक रिजल्ट और है जो कि इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट चैप्टर में हमेशा यूज होता है, कई बार इंटीग्रेशन में वो यूज होता है, कई बार डिफरेंशिएशन में यूज होता है। ये सारे फॉर्मूलाज जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं।